हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल इन्फॉर्मेशन। मैं आज का टॉपिक यह है कि RJ45 को कैसे पंच किया जाता है। इससे पहले मैं एक छोटा सा केबल आपको दिखा देता हूं। ये KET-6 है जो इसकी दोनों तरफ पंच किया हुआ है। इसे मैं एक बार लाइन टेस्टर पे आपको दिखा देता हूं। ये एक सही केबल है, ये आप देख सकते हैं कोडिंग हो रहा है, यानी कि ये केबल सही है। एक KET-6 है क्योंकि इस पे मैं आज RJ45 को पंच करूंगा। वो एक टूल्स है, ये बहुत ज़रूरी है RJ45 को पंच करने के लिए। पहले तो आप तार को छील लें, कवर हटा ले ऊपर वाला। ऊपर का कवर हटाने के बाद KET-6 के अंदर जो फाइबर निकलता है इसको आप काट लें। देख रहे हैं कि मैंने उसको काट दिया है। ये आपस में एक दूसरे से सटे हुए हैं, इसको अलग करके स्ट्रेट कर ले पहले। आप देख रहे हैं कि सारे मैंने स्ट्रेट कर दिए हैं। पे कलर बाय कलर कोडिंग करता हूं। पहले तो आप वाइट ऑरेंज ले लीजिए, फिर ऑरेंज, फिर थर्ड पर चला जाएगा वाइट ग्रीन, फोर पे चला जाएगा ब्लू, और फाइव पे चला जाएगा ब्लू वाइट, सिक्स पे चला जाएगा ग्रीन, सेवन पे चला जाएगा ब्राउन वाइट, एट पे चला जाएगा ब्राउन। देख रहे हैं मैंने कलर कोडिंग कर दिया है। अब इसको पंच करने के लिए इससे पहले अब तार को थोड़ा सा काट लें। थोड़ा सा इसीलिए कटवाया जाता है कि सारे तार आपस में बराबर हो जाएं और RJ45 में अच्छी तरह से जा सके। देख रहे हैं कि RJ45 में सारा तार जो चला गया है, जो मैंने छील के काट के जो इसमें, उसके बाद टूल्स की सहायता से इसके अंदर डालकर पंच कर दें। यह एक बार देख लें कि अच्छी तरह से पंच हुआ है कि नहीं। मैं एक बार लाइन टेस्टर में भी चेक कर लेता हूं। मैंने इसमें पहले से ही मार के रखा था, मैं एक लाइन टेस्टर ले रहा हूं। मैंने लाइन टेस्टर में डाल दिया है और ये आप देख सकते हैं कि सारे कलर कोडिंग सही हैं, यानी केवल ये काम कर रहा है।